नमस्कार, मैं अप्रिया, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। एक्शन मोड में दिखे डीआईजी मनु महाराज। मनु महाराज को बिहार का सिंघम कहा जाता है। जिम्मेदारी संभालते उन्होंने हाल ही में अपने नए तेवर भी दिखाए हैं। कुछ समय पहले ही दौड़ते दौड़ते वो पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिसकर्मियों की फटकार लगाते देखे गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ सारण रेंज के डीआईजी मनु महाराज शुक्रवार दोपहर 2 बजे सिवान पहुंचे। इस दौरान डीआईजी मनु महाराज ने ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने, अनुपस्थित रहने सहित अन्य मामलों में कार्रवाई करते हुए एक थानेदार सहित 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। वहीं 2 लोगों से शो कॉज नोटिस जारी कर कुछ गृह रक्षकों की 6 महीने के लिए अनुबंध समाप्त कर दी है। दूसरे चरण के टीकाकरण के लिए लगभग 75,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स का हुआ रजिस्ट्रेशन। बिहार में दूसरे चरण के टीकाकरण की तैयारी जारी है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में दूसरे चरण के कोरोना टीकाकरण को अब तक 75,000 से अधिक व्यक्तियों का निबंधन किया जा चुका है। दूसरे चरण में राज्य के फ्रंटलाइन वर्कर का टीकाकरण किया जाना है। इस चरण में निबंधन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया है कि 25 जनवरी तक दूसरे चरण के टीकाकरण को लेकर निबंधन किया जा सकेगा। 25 जनवरी तक आंकड़ों को अपडेट कर उन्हें टीकाकरण का कार्य तय किया जाएगा। बिहार के कई जिलों में उत्पन्न हुई कोल्ड डे की स्थिति। बिहार में ठंड का सितम जारी है। ठंड का प्रभाव लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार के कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार धूप नहीं निकलने से पटना, पूर्णिया और सुपौल में कोल्ड डे की स्थिति रही। अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे रहने से ठिठुरन भरी ठंड की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में दिन के तापमान में जहां कमी आई है, वहीं रात का तापमान थोड़ा ऊपर चढ़ा है। मौसमविदों का कहना है कि अगले 1-2 दिन रात के तापमान में गिरावट नहीं होगी। पूर्वा का प्रभाव बढ़ने से न्यूनतम पारा ऊपर चढ़ेगा। ईवीएम से पंचायत चुनाव करवाने की मिली मंजूरी। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी जोर शोर से हो रही है। वहीं चुनाव करवाने को लेकर कई दिनों से विचार विमर्श देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में अब त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव भी अब मल्टीपोस्ट ईवीएम से कराने का रास्ता साफ हो गया है। पंचायती राज विभाग ने शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग के मल्टीपोस्ट ईवीएम से मतदान कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इधर विभाग से मिली सहमति के बाद आयोग को मल्टीपोस्ट ईवीएम की खरीद का रास्ता साफ हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दे, पोस्ट ईवीएम की खरीद ECIL कंपनी से किया जाना है। महिला हेल्प डेस्क की सभी थानों में जल्द होगी शुरुआत। सभी थानों में महिलाओं को होने वाली परेशानी के निवारण के लिए महिला हेल्प डेस्क का गठन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, लेडीज सिपाहियों की बहाली पर भी सोच विचार किया जा रहा है। अपराध अनुसंधान विभाग की पहल से इसकी शुरुआत की जा रही है। अपराध अनुसंधान विभाग के अधीन कमजोर वर्ग आता है। यह महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अलावा वरीय नागरिकों की समस्याओं का विशेष रूप से काम करता है। थाना पहुंचने पर महिलाओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए CID द्वारा सभी स्थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने का निर्देश दिया गया है। विदेशों में रहने वाले प्रवासियों को भी मिलेगी अब बिहार में जमीन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब विदेश में रहने वाले प्रवासियों को बिहार में जमीन देने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बाबत बीते दिन झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, काउंसलेंट जनरल ऑफ इंडिया और बिहार फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में बिहार के अतीत और वर्तमान और भविष्य के विषय पर संशोधित किया है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। जहां उन्होंने बिहारवासियों से कहा कि आप आइए, आपको यहां जमीन जरूर मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योग के लिए हम नई औद्योगिक नीति बनाएंगे, आप बिहार आइए। इसके साथ ही कई प्रवासी बिहारियों ने उन्हें न्यूयॉर्क आने का न्योता भी दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में प्रवासियों से बिहार के विकास की यात्रा को साझा किया। साथ ही सभी प्रवासियों को भी आने का अनुरोध करते हुए यह भी बताने को कहा कि बिहार में किन किन चीजों की आवश्यकता है। एडमिट कार्ड जारी होने के बावजूद कई छात्र रहेंगे इससे वंचित। बिहार बोर्ड ने हाल ही में छात्रों के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया था। वहीं एडमिट कार्ड जारी होने के बावजूद कई छात्र अभी कार्ड से वंचित रहने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार अभी उन स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड नहीं जारी किया गया है जिनका परीक्षा शुल्क या पंजीयन शुल्क जमा नहीं है। बोर्ड की तरफ से स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com पर जारी कर दिया गया है। जिन स्टूडेंट का इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है, उनके लिए बिहार बोर्ड ने 25 जनवरी तक का समय निर्धारित किया है। इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश के मामले में पुलिस अंधेरे में चला रही है तीर। इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह के मामले में कई दिन गुजर चुके हैं, मगर पुलिस को अभी भी कुछ भी हाथ नहीं लगा है। वहीं ताजा मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने अब तक इस मामले में 9 लोगों से पूछताछ की है। मिली जानकारी के अनुसार पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह के मामले में शक के आधार पर शनिवार की देर रात पुलिस ने पुनाईचक और राजा बाजार के 9 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। सूत्रों की माने तो उठाए गए लोगों में जहां कई अपराधी प्रवृत्ति के हैं, वहीं कुछ के तार एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि अपराधियों की तलाश में दिल्ली, UP और गोवा गई पुलिस टीम शनिवार को खाली हाथ पटना लौट आई है।
भागलपुर वासियों को रेलवे की तरफ से मिलेगी सौगात। भागलपुर वासियों को जल्द ही रेलवे की तरफ से बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसके तहत भागलपुर से चलने वाली आनंद विहार से जाने वाली भागलपुर आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन ट्रेन अब बढ़िया स्टेशन पर भी रुकने वाली है। 19 जनवरी से इस ट्रेन का अप एंड डाउन दोनों दिशाओं में ठहराव रहेगा इस स्टेशन पर होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर से खुलने के बाद यह ट्रेन दोपहर के लगभग 2:15 पर बढ़िया स्टेशन पर पहुंचने वाली है, जिसके बाद स्टेशन से 2:17 पर यह ट्रेन खुलेगी। बढ़िया के लोगों की मांग को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है। पूर्व मध्य रेलवे के CPTM ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एक महीने में 50,000 छात्रों का रिजल्ट जारी करने की कर रहा है तैयारी। तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने कई स्तर पर तैयारी शुरू कर रखी है। मिली जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन स्नातक के स्तर को नियमित करने में लगा हुआ है। विश्वविद्यालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 2 जनवरी को स्नातक कॉमर्स और 14 जनवरी को स्नातक विज्ञान संकाय का रिजल्ट प्रकाशित करने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने दावा किया है कि 17 जनवरी तक स्नातक कला के रिजल्ट को भी प्रकाशित किया जाएगा। इस तरह एक महीने के अंदर तीनों संकायों के 50,000 छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय अधिकारियों की माने तो राजभवन ने 20 तक रिजल्ट प्रकाशित करने का आदेश जारी किया है। लालू प्रसाद से बेटी चंदा यादव और दामाद विक्रम सिंह ने की मुलाकात। घोटाले में सजायाफ्ता राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से शनिवार का दिन मुलाकात का रहता है, जिसके बाद बीते दिन लालू प्रसाद यादव से उनकी बेटी चंदा यादव और दामाद विक्रम सिंह ने मुलाकात की। मिली जानकारी के अनुसार सभी ने लगभग 4 घंटे तक मुलाकात की, जिसके बाद चंदा यादव और दामाद विक्रम सिंह ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद बिना मीडिया से बातचीत किए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए वो निकल गए। खरमास खत्म होने के बावजूद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संशय की स्थिति जारी। खरमास खत्म होने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें सामने आ रही थी। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार का खरमास खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नीतीश कुमार ने गेंद भाजपा के पाले में डाल दी है, लेकिन भाजपा की तरफ से अभी सकारात्मक जवाब देखने को नहीं मिला है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भाजपा का भी बयान अब सामने आने लगा है, जिसके तहत भाजपा प्रवक्ता संजय टाइगर ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नेतृत्व के स्तर पर विमर्श जारी है, जल्द ही इस पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। जहां तक सवाल प्रदेश अध्यक्ष और संगठन प्रभारी के दिल्ली दौरे का है, तो पार्टी के काम से वो दिल्ली जाते रहते हैं। वहीं प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कोई जल्दबाजी नहीं है। किसानों की मांग को देखते हुए धान खरीद की तारीख में होगा विस्तार। बिहार में पैक्स के माध्यम से धान की खरीदारी की जा रही है, वहीं धान की खरीदारी को बीच में ही रोकने की मांग की जा रही है। मगर बढ़ रही मांग को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्री ने अब बिहार में धान की खरीदारी को बढ़ाने की बात कही है, जिसके तहत कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों के पास 15 फरवरी तक ही धान होता है। अमूमन 15 फरवरी के बाद किसान धान नहीं बेचना चाहते, इसलिए सरकार ने भी धान खरीदारी की अंतिम तारीख 15 फरवरी तक तय की है। उन्होंने कहा है कि हमारा उद्देश्य है कि किसानों को समर्थन मूल्य दिलवाया जा सके, इसलिए सिर्फ और सिर्फ किसानों को ही ध्यान में रखते हुए धान की खरीदारी हम लोग करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि हम नहीं चाहते कि व्यापारी या मिलर का धान खरीद कर हम अपने लक्ष्य को पूरा करें, इसलिए 15 फरवरी तक ही अंतिम तारीख रखी गई है। 2022 तक बिहार में नए उपभोक्ताओं के घर में लगेंगे नए प्रीपेड मीटर। बिहार में नए प्रीपेड मीटर को लगाने पर जोर दिया जा रहा है, जिसके तहत हर घर में अब नए प्रीपेड मीटर को लगाने की तैयारी जारी है। सरकार का यह लक्ष्य है कि साल 2022 तक बिहार में नए उपभोक्ता के घर इस मीटर को लगाने का काम खत्म किया जाए, के तहत विभाग प्रीपेड मीटर लगाकर जहां उपभोक्ता को सहूलियत देने में लगी हुई है, वहीं बिजली विभाग को भी अब नुकसान का सौदा नहीं करना पड़ेगा। उपभोक्ता अब अपने हिसाब से जितना रिचार्ज कराएंगे उतना ही बिजली की खपत करेंगे, अपने पैसे की बचत कर पाएंगे। साथ ही बिजली विभाग की भी आमदनी अब नकदी हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली विभाग को अब बकाया राशि भी नहीं वसूलना पड़ेगा और उपभोक्ताओं पर भी पैसों का ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। मयंक अग्रवाल के गेंद पर नाथन ने लगाया 102 मीटर लंबा छक्का। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा और अंतिम मैच ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जा रहा है। टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम अब तक काफी मजबूत नजर आ रही है। उन्होंने 200 से पहले ही भारत की आधी टीम को पवेलियन भेज दिया है। जोश हेजलवुड और पैट कमिंस की जोड़ी के आगे भारतीय बल्लेबाज गाबा की पिच पर असहज वो नजर आए हैं। हनुमा बिहारी की जगह टीम में शामिल किए गए मयंक अग्रवाल की पारियों के मुकाबले ब्रिस्बेन में अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन वह लंच के बाद हेजलवुड की गेंद पर गलती कर बैठे और अपना विकेट गवा दिया। वहीं मयंक ने अपनी पारी के दौरान नाथन लॉयन के खिलाफ 102 मीटर का लंबा छक्का लगाया, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच में अब तक की स्थिति को देखते हुए किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।